दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ी भी खेल चुके हैं, लेकिन 26/11 मुंबई बम धमाकों के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन कर दिया। दोस्तों, आईपीएल 2023 शुरू हो चुका है और सभी टीमें मैदान में उतर चुकी हैं। और जहां तक आईपीएल की बात है, तो आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। तब से लेकर अब तक 15 सीजन खेले जा चुके हैं और 16वां सीजन शुरू हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि आईपीएल के पहले सीजन में कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया था? अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, हम आपको इस वीडियो में 12 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पहले आईपीएल में शिरकत की थी। वीडियो का स्टोरी क्रेडिट है पत्रिका को और आवाज है आशीष की। क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद फेंकने वाले और रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से मशहूर शोएब अख्तर आईपीएल 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले थे। उन्होंने केकेआर के लिए 3 मैच खेले थे और इन 3 मैचों में उन्होंने कुल 5 विकेट लिए थे। बता दें कि पाकिस्तान के शोएब अख्तर और हरभजन सिंह के बीच दुश्मनी जग जाहिर है। एशिया कप 2012 के फाइनल में दोनों क्रिकेटर के बीच तीखी नोकझोंक हो गई थी। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सोहेल तनवीर साल 2008 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। इस आईपीएल में तनवीर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 22 विकेट लिए थे। उनके इस प्रदर्शन के चलते तनवीर को आईपीएल 2008 में पर्पल कैप के खिताब से भी नवाजा गया था। पाकिस्तान के हरफन मौला क्रिकेटर और पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी साल 2008 आईपीएल में डेक्कन चार्जर्स के लिए खेले थे। हालांकि आईपीएल 2008 में अफरीदी कुछ खास नहीं कर पाए और उन्होंने 10 मैचों में 81 रन बनाए और गेंदबाजी करते हुए 9 विकेट लिए थे। साल 2008 में शोएब मलिक ने आईपीएल टीम दिल्ली डेयरडेविल्स, जो कि अब दिल्ली कैपिटल्स के नाम से जानी जाती है, उसके लिए परफॉर्म किया था। दिल्ली की टीम में एवी डिविलियर्स, तिलक रत्न दिलशान, डेनियल विटोरी और ग्लेन मैग्रा जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी शामिल थे। इसी वजह से शोएब मलिक को ज्यादा मौका नहीं मिला। मलिक ने आईपीएल 2008 में 7 मैच खेला और सिर्फ 52 रन बनाए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मोहम्मद हफीज ने आईपीएल 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स की कप्तानी की थी। यह ऑलराउंडर खिलाड़ी आईपीएल में बुरी तरह असफल रहा। मोहम्मद हफीज ने केकेआर के लिए 8 मैच खेले जिनमें सिर्फ 64 रन ही बनाए। आईपीएल के पहले संस्करण में दिल्ली डेयरडेविल्स ने मोहम्मद आसिफ को भी अपनी टीम में शामिल किया था। आसिफ ने दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए 8 मैच खेले थे। पाकिस्तान के बाएं हाथ के बल्लेबाज सलमान बट 2008 आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे। बट ने आईपीएल 2008 में 7 मैच खेले थे जिनमें 193 रन बनाए थे। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बट ने 54 गेंदों पर 73 रनों की विस्फोटक पारी भी खेली थी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल आईपीएल के पहले संस्करण में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे। कामरान अकमल ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 6 मैच खेले थे। बता दें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमर गुल आईपीएल 2008 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा थे। वर्तमान में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच और मुख्य चयनकर्ता मिसबाह उल हक ने 2008 आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी की थी। 2007 विश्व कप में मिसबाह ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसके चलते आईपीएल 2008 में आरसीबी ने उन्हें अपने बेड़े में शामिल किया। हालांकि आईपीएल 2008 में मिसबाह ने 8 मैच खेले थे और सिर्फ 117 रन बनाकर बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए थे। यूनिस खान आईपीएल 2008 में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले। उन्हें आईपीएल 2008 में सिर्फ 1 मैच खेलने का मौका दिया गया था। आईपीएल 2008 में आरसीबी ने पाकिस्तान के ऑलराउंडर अब्दुल रज्जाक को अपनी टीम में शामिल किया था। रज्जाक केवल 1 मैच खेले और 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना सके थे। तो दोस्तों, ये थे 12 ऐसे प्लेयर जिन्होंने आईपीएल खेला है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दुनियादारी 24/7। धन्यवाद।